वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्या द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर हमें स्मैकडाउन के अंदर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो बात करने वाले हैं स्मैकडाउन के व्यूवरशिप के बारे में, इस हफ्ते के स्मैकडाउन की कितनी व्यूवरशिप देखने को मिली है, इसको भी लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट है। एंड ऑल्सो डिस्कस करने वाले हैं जो कि मनी इन द बैंक के टिकट्स को लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी देखने को मिल रही है। एंड ऑल्सो बात करने वाले रोमन रेंस हमें लीव करते हुए दिखाई देंगे WWE को, इसको लेकर एरिक बिशॉफ काफी कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट देते हुए दिखाई देते हैं। एंड और भी अच्छी खासी अपडेट होगी इस वीडियो के अंदर, तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहां पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है। सो डेफिनेटली भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलते फिर टॉपिक पे आते हैं। एंड टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये हमें देखने को मिल रहा है स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की तरफ से। तो जैसा कि आप लोग को बता दो कि इस हफ्ते का जो हमें स्मैकडाउन का व्यूअरशिप देखने को मिला है वो 2.168 मिलियन देखने को मिला है। यस, 2.168 मिलियन देखने को मिला है। इसके पिछले हफ्ते जो हमें व्यूअरशिप देखने को मिली थी वो 2.44 मिलियन देखने को मिली है, और इस हफ्ते हमें 2.168 मिलियन देखने को मिली है, जो कि व्यूअरशिप यहां पर घटते हुए दिखाई दिए। और ऑब्वियस है भाई, जॉन सीना हमें पिछले हफ्ते देखने को मिले थे और जॉन सीना एंड रोमन रेंस का मैच भी देखने को मिला था, तो ऐसे में वहां पर व्यूअरशिप हमें बढ़ते हुए दिखाई दी थी। लेकिन इस हफ्ते हमें स्मैकडाउन की व्यूअरशिप घटते हुए दिखाई दी है, और इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। और जो कि हमें 2.168 मिलियन देखने को मिला है, वैसे काफी कम व्यूअरशिप भी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। वैसे अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है जॉन सीना को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि WWE फिलहाल के टाइम पे प्रोटेक्ट करना चाहती है जॉन सीना को, और जॉन सीना का जो हमें स्मैकडाउन के अंदर मैच देखने को मिला था वहां पर हमें जॉन सीना काफी ज्यादा रसल करते हुए नहीं दिखाई दिए थे, सिर्फ हमें थोड़ा बहुत ही रसल करते हुए दिखाई दिए थे। वेल, इसके पीछे का रीजन यह है कि जॉन सीना WWE सुपरस्टार के साथ साथ जो कि एक हॉलीवुड सुपरस्टार भी है, तो ऐसे में अगर उनको थोड़ी बहुत भी इंजरी आ जाती तो उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी प्रॉब्लम्स हो सकते थे। इसकी वजह से WWE यहां पर उनके साथ में हमेशा सेफ चलती है, और आने वाले समय में भी उनके प्लान्स है जो कि WWE के अंदर रिटर्न करने के, और रॉयल रंबल में भी हो सकता है कि उनके प्लान्स देखने को मिले। इसीलिए करंटली यहां पर WWE ने जॉन सीना के साथ सेफ खेलने की कोशिश की और जॉन सीना को सिर्फ और सिर्फ थोड़े ही टाइम तक रेसल करवाया, तो ऐसा कुछ हमें यहां पर स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिला। तो इसके पीछे का यही कुछ रीजन था, तो इसके ऊपर भी आपके थॉट्स कमेंट में जरूर बता देना। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है मनी इन द बैंक 2023 को लेकर। तो मनी इन द बैंक 2023 की जो टिकट सेलिंग देखने को मिल रही है वो काफी खतरनाक देखने को मिल रही है। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि मनी इन द बैंक 2023 के अंदर जो हमें टॉप टिकट सेलिंग देखने को मिल रही है वो टिकट हमें $4,200 की देखने को मिल रही है, यानी कि 3 लाख के करीब, अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 3 लाख के करीब हमें यहां पर कुछ पैसे देखने को मिल रहे हैं। इतना महंगा टिकट मिल रहा है UK का, जो कि ऑब्वियसली भाई काफी ज्यादा महंगा है। वेल, इसके ऊपर आपके थॉट्स क्या है भाई? बहुत ही ज्यादा महंगा टिकट यहां पर बेचा जा रहा है WWE की तरफ से, ऑब्वियसली इसमें तो घर चले जाने वाली बात हो जाएगी। फिर आप लोग कमेंट्स में जरूर बता देना भाई 3 लाख में क्या कहना चाहोगे इस टिकट सेलिंग को लेकर, जो कि काफी ज्यादा, मतलब अगर आप चाहोगे कि टॉप क्लास का आपको टिकट मिले जो कि मनी इन द बैंक 2023 के लिए, तो आपको 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे जो कि $4,200 है। तो इसके ऊपर भी आपके थॉट्स कॉमेंट में जरूर बता देना, इस टिकट्स को लेकर क्या कहना चाहोगे जो कि इतना हाई प्राइस देखने को मिल रहा है मनी इन द बैंक 2023 को लेकर। तो ऑब्वियसली भाई कमेंट में जरूर बता देना। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। सो ये अपडेट है जो कि मंडे नाइट रॉ के टिकट सेलिंग को लेकर। तो मंडे नाइट रॉ की टिकट सेलिंग हमें कितनी देखने को मिली है, तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि बर्मिंगम अलबामा में जो हमें मंडे नाइट रॉ देखने को मिलेगा, आने वाला जो मंडे नाइट रॉ है, इसकी जो हमें टोटल कैपेसिटी देखने को मिल रही है वो 7,273 लोगों की है, यानी कि 7,273 लोगों की कैपेसिटी देखने को मिल रही है। और जो टिकट सेल होते हुए दिखाई दे चुके हैं वो 6,568, यानी कि 6,568 टिकट्स यहां पर सेल हो चुके हैं। अवेलेबल टिकट्स की बात करें तो 705, यानी कि 705 टिकट यहाँ पर अवेलेबल है। एक तरीके से कहें तो पूरा हमें मंडे नाइट रॉ यहाँ पर सोल्ड आउट देखने को मिल रहा है, जो कि हमें देखने को मिलेगा आने वाला ये मंडे नाइट रॉ, तो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि सोल्ड आउट है। तो इसके ऊपर भी आपके थॉट्स कॉमेंट में जरूर बता देना। अगले अपडेट की तरफ चलते, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, ये है जो कि एरिक बिशॉफ को लेकर। तो एरिक बिशॉफ जो कि अपने रिसेंट के पॉडकास्ट के अंदर कहते हुए दिखाई देते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर, जहां पर एरिक बिशॉफ का ये कहना था कि
कि हो सकता है कि हमें आने वाले समय में एरिक बिशॉप का यह मानना है कि रोमन रेंस लीव करते हुए दिखाई दे सकते हैं डब्ल्यूडी को फॉर दी हॉलीवुड, यानी कि हॉलीवुड के लिए। वैसे हमने पास्ट में भी बहुत सारे लोगों से सुन रखा है, खुद रोमन रेंस ने भी अपने प्रोमो के अंदर मेंशन कर रखा है कि वो हॉलीवुड के अंदर हमें स्विच करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो रोमन रेंस है वो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें कंपनी को लीव करते हुए दिखाई दे जाए और वो हॉलीवुड के अंदर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके पूरे के पूरे चांसेस हैं और हो सकता है कि जो रोमन रेंस है वो हमें हॉलीवुड में बहुत ही जल्द स्विच भी करते हुए दिखाई दे जाए, जैसा कि एरिक बिशॉफ का कहना है कि हमें बहुत ही जल्द हो सकता है कि रोमन रेंस कंपनी को लीव भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वेल, कंपनी के साथ में वो रहेंगे, आने वाले समय में रिटर्न भी करेंगे, लेकिन वो जॉन सीना जैसा शेड्यूल हमें देखने को मिलेगा रोमन रेंस का, ऐसे हो सकता है। तो देखते वैसे क्या होता है। तो इसके ऊपर भी आपके थॉट्स क्या है भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। तो ब्रॉक लेसनर को लेकर एक काफी ट्विस्ट अपडेट देखने को मिला है और ये अपडेट है जो कि इनसाइड द रोप्स की तरफ से, जो कि काफी बड़ा सोर्स हम लोग कह सकते हैं, इनसाइड द सोर्स जो कि काफी बड़े न्यूज को ब्रोक भी कर चुका है पास्ट में। तो इनसाइड द सोर्स की तरफ से एक काफी इंटरेस्टिंग स्पेकुलेशन हम लोग कह सकते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये कंफर्म है, लेकिन इनका ये कहना है कि WWE यहां पर प्लान्स पहले से ये भी बना रही है कि ब्रॉक वर्सेस गंथर के प्लान्स बने और ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर भी चाहती है। तो ऐसे में जो हमें देखने को मिलेगा, यानी कि स्मैकडाउन जो देखने को मिलने वाला है आने वाला, वहां पर हमें ब्रॉक लेसनर का मे बी रिटर्न देखने को मिल जाए जब हमें गंथर वर्सेस ब्रॉन स्टोमन का मैच देखने को मिले, यानी कि स्मैकडाउन के अंदर हमें गंथर वर्सेस ब्रॉन स्टोमन का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच है और यहां पर जो कि गंथर अपनी टाइटल को हार नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर इंटरफेयर करे और ब्रॉक लेसनर यहां पर इंटरफेयर करके गंथर को टाइटल हरवा दे और इसके बाद हमें गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर जैसी फ्यूड चलते हुए दिखाई दे जाए, यानी कि ब्रॉक लेसनर मंडे नाइट रॉ के अंदर रिटर्न ना करके वो हमें स्मैकडाउन के अंदर रिटर्न करेंगे और वहां पर रिटर्न करके गंथर को टाइटल हरवाएंगे। वैसे मुझे ये ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, वैसे ये इलॉजिकल पॉइंट भी हम लोग कह सकते हैं जो कि इनसाइड द रोप्स की तरफ से देखने को मिल रहा है कि ब्रॉक लेसनर हमें स्मैकडाउन के अंदर रिटर्न करेंगे, क्योंकि उनकी फ्यूड अभी भी कह सकते हैं कि बॉबी लैशली से चल रही है, तो वहां पर रिटर्न करना काफी ज्यादा सेंस बनाएगा, ना कि गंथर और ब्रॉन स्टोमन के मैच में। तो इसके ऊपर भी आपके थॉट्स क्या है भाई कमेंट में जरूर बता देना। आपको क्या लगता है कि हमें ब्रॉक लेसनर कहां पर रिटर्न करेंगे, मंडे नाइट रॉ के अंदर या फिर स्मैकडाउन के अंदर, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके जरूर फॉलो भी कर लो और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहां पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है। सो डेफिनेटली भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। सीना रोमन को हराएंगे, सो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।